हेलो जी, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट कहानी ऑफ स्टोरीज। और हमारी आज की कहानी का नाम है द बेल विच। ये कहानी स्टार्ट होती है 1800s में, जब जॉन बेल नाम के एक जनाब अपनी फैमिली के साथ अमेरिका के टेनेसी करके स्टेट में शिफ्ट होते हैं। भाई प्लान उनका बड़ा सिंपल सॉर्टेड सा रहता है, खेती बाड़ी करेंगे, जिंदगी को चिल करके जियेंगे। 2-3 साल तक बात एकदम बढ़िया चलती रहती है, अंटिल एक दिन दोपहर को जॉन बेल के साथ कुछ होता है। दोपहर में अपने खेत में एक राउंड लगाते समय जॉन बेल नोटिस करते हैं कि भाई उनके खेत में एक जानवर बैठा हुआ है, और एज एनी नॉर्मल फार्मर वो उस जानवर को भगाना जरूरी समझते, नहीं तो वो खेत खराब कर देगा। जैसे ही उस जानवर को भगाने के लिए वो पास में जाते हैं तो जॉन की सांसें पूरी तरह से थम जाती हैं, क्योंकि वो जानवर का जो बॉडी था वो कुत्ते जैसा था, लेकिन जो उसका चेहरा था वो एक खरगोश की तरह था। एनी हाउ, जैसी भी सिचुएशन है, जॉन एकदम पैनिक होकर के अपनी गन को फायर करते हैं। गन की आवाज सुनते ही वो जानवर वहां से तुरंत भाग जाता है। जॉन तुरंत अपने घर की तरफ तेजी से लौटते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर लौटते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि उनके दरवाजे पे एक कौवा बैठा हुआ था, जिसका साइज जो था ना वो अबनॉर्मली सा कुछ बड़ा था। ज्यादा कुछ बात नहीं करते हैं वो किसी से, लेकिन 2-3 दिनों के बाद आधी आधी रात में खाली दरवाजों पर खटखटाहट होना, मेटल की चेन्स का घसीटा जाना और उनके पूरे घर में फुसफुसाहट होना, ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं। बेल फैमिली इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती, लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बिगड़ जाती तो फाइनली वो लोग अपने पड़ोसियों को बताना सही समझते हैं। जैसे ही उनके पड़ोसियों को ये बात पता चलती है, बस एकदम आग की तरफ बात पूरे के पूरे शहर में फैल जाती है। और इसके कुछ ही दिनों के बाद जॉन बेल की एक मिस्टीरियस डेथ होती है जहर दे करके, और जैसे ही उसकी डेथ होती है उसके कुछ ही महीनों में वो चीज़ होती है जिसका जॉन को सबसे ज़्यादा डर था। असल में 1650s के आसपास से अमेरिका में चुड़ैल यानी कि विचेस के होने का मिथ बहुत ज़्यादा फैलने लगा था। शहर के जो पावरफुल लोग होते थे, भाई जो औरतें उनके साथ कॉपरेट नहीं करती उन्हें बीच चौराहे में खड़ा करके विचेस हैं बोल करके जला दिया जाता था। इवन बच्चों पे भी रहम नहीं होता था। और यही सेम सिचुएशन हो गई जॉन के वाइफ बेट्सी बेल की, जिसके कारण एंड में उन्हें अपनी जान बचाने के लिए उस घर को छोड़ के भागना पड़ा। बेल फैमिली का वो फार्म हाउस जिसे आज टेनेसी बेल एस्टेट के नाम से जाना जाता है, अमेरिका में आज भी अवेलेबल है। ना तो उसे कोई रेंट करता है, ना उसे कोई खरीदता है। वहाँ के लोकल्स का कहना है कि वहाँ पे उस जानवर को जिसको जॉन ने डिस्क्राइब किया था वो 3-4 बार और दिखाई दिया है। ये बेलविच की कहानी असली है नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि ऐसी सी बहुत कहानी है जो भी आप तक पहुँचानी है। मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू आर लिसनिंग टू स्टोरीज़।